दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। जहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 1999 में आए सनी देओल की अर्जुन पंडित, संजय दत्त की वास्तव और अक्षय कुमार की जानवर। इन तीनों फिल्मों के बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं इन तीनों फिल्मों के पहले दिन की यानी कि ओपनिंग डे पर कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था इन फिल्मों ने और किस फिल्म ने मारी थी बाजी। तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ फिल्मों की ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सबसे पहले अर्जुन पंडित फिल्म की बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये बात आप सब लोग भी जानते होंगे, 90 के दशक में सनी देओल की बेहद ज़्यादा फैन फॉलोइंग हुआ करती थी। अगर बात करें अर्जुन पंडित की या उससे पहले फिल्मों की, तो बहुत सारी फिल्में इनकी बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई, लेकिन कुछ फिल्में थी जो फ्लॉप भी हुई। अगर बात करें अर्जुन पंडित की, तो 20 अगस्त साल 1999 में रिलीज हुई थी ये फिल्म, और इस फिल्म में सनी देओल जूही चावला में मुख्य किरदारों में नजर आए थे, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राहुल रावल ने। तकरीबन 10 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी ये फिल्म। बात करें ओपनिंग डे की, तो इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 1.2 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी, लेकिन उतनी अच्छी स्टोरी नहीं थी इस फिल्म की जितनी होनी चाहिए थी। अगर बात करें ओपनिंग डे की, तो ओपनिंग डे पर बेहतरीन कारोबार किया था उस टाइम इस फिल्म ने, लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया पर टोटल कमाई की थी इस फिल्म ने सिर्फ 12 करोड़ रुपए की, और पूरे वर्ल्ड में 20 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म थी और फिल्म हुई थी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज। अगर बात करें फिल्म वास्तव की, तो 15 अक्टूबर साल 1999 में रिलीज हुई थी ये फिल्म, और इस फिल्म में संजय दत्त, नम्रता शिरोडकर मुख्य किरदारों में नजर आए थे। फिल्म के डायरेक्टर थे महेश मांजरेकर। बजट इस फिल्म का तकरीबन 8 करोड़ रुपए था। ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने 73 लाख रुपए की कमाई की थी और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाए थे 12 करोड़ रुपए, और पूरे वर्ल्ड में 21 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी इस फिल्म ने, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। बात करें फिल्म जानवर की, तो दोस्तों 24 दिसंबर 1999 में रिलीज हुई थी ये फिल्म, और इस फिल्म में अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, शक्ति कपूर हमें मुख्य किरदारों में नजर आए थे। फिल्म के डायरेक्टर थे सुनील दर्शन। 7 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी ये फिल्म। ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने 77 लाख रुपए की कमाई की थी और बॉक्स ऑफिस इंडिया लाइफ टाइम इस फिल्म ने 11 करोड़ रुपए की कमाई की थी, और पूरे वर्ल्ड में 19 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी इस फिल्म ने, और ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी और फिल्म हुई थी बॉक्स ऑफिस पर हिट। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें ओपनिंग डे की, तो ओपनिंग डे पर सबसे ज़्यादा सनी देओल की फिल्म अर्जुन पंडित ने बहुत ज़्यादा कलेक्शन किया था, तकरीबन 1.2 करोड़ रुपये का। तो आपको इन तीनों फिल्मों में कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।